हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मजे में होंगे। तो इसके आगे वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने जो स्वीट वाले मैंगो है वो बनाए हैं, तो पूरी रात इसको मैंने रहने दिया था और अभी है ना दूसरा दिन है, तो सुबह सुबह मैंने चक्कर देखा तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं और गिरीश ने तो यहाँ पर टेस्ट भी कर लिए थे तो काफ़ी अच्छे लगे थे। तो पहली बार मैंने बनाए हैं लेकिन काफ़ी अच्छे बने हैं, तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। अभी है ना सिर्फ मुझे, जैसे मैं इसको है ना अरेंज डिश में रख रही हूँ ना, तो ऐसे रख कर मुझे सिर्फ धूप में रखना है। तो मैं सबसे उठकर सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ कि इसको ऐसे, और है ना गाइस, इसको एकदम छोटे छोटे रखना, क्योंकि आप एकदम एक दूसरे को अड़ के इस तरह से रखोगे ना तो वो चिपक जाएगी एक दूसरे से। तो हमें है ना थोड़े से दूर दूर ही रख कर इनको हमें सुखाना है, तो काफ़ी सूखने के और एकदम ड्राई करना है। आप 2-3 दिन तक इसको धूप में रख सकते हो, जिस वजह से ना एकदम ड्राई हो जाएगी, तो उसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आएगा। मैंगो के लिए वो डिश छोटी पड़ रही थी तो मैंने दूसरे डिश में निकाल दिया है और अभी है ना मैं धूप में रखने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी अच्छी वाली कड़क धूप है तो ये अच्छे से सूख भी जाएंगे, लेकिन मुझे क्योंकि चाशनी है ना तो मुझे 2 दिन तक यहाँ पर रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि मेरा किचन एकदम रेडी है और हमारा चाय नाश्ता तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे है ना टिफ़िन बनाना है क्योंकि गिरीश को आज भी बाहर जाना हुआ है, तो उनके लिए मुझे टिफ़िन बनाना है। तो अभी मैं टिफ़िन बनाना स्टार्ट कर दूंगी और टिफ़िन में या रोज़ रोज़ क्या सब्जी दूँ वही मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि अभी है ना मार्केट में जाते हैं ना तो भिंडी है, गुवार बीन है, यही वाली सब्जी मिलती है, तो फिर क्या बनाऊँ। लेकिन अभी है ना मैं नई नई रेसिपी ट्राई करने की भी सोच रही हूँ, तो आगे वाले ब्लॉग में आप शायद देखो। लेकिन आज मैंने है ना टिफ़िन में भिंडी की सब्जी, चपाती और पुलाव बनाने की सोची है, क्योंकि मैं हर टाइम उनको दाल भात देती हूँ तो वो भी खा खा कर कंटाल आ जाता है, और मैंने सोचा कुछ नया भी हो जाएगा उनके लिए। अभी तो मैंने भिंडी की सब्जी में तड़का लगा दिया है और ये जो भिंडी है ना वो मैंने कल शाम काट कर रख दी थी, तो सुबह सुबह मेरा उतना टाइम भी बच गया और मुझे सिर्फ तड़का लगाना ही रहा है। तो ऐसे करके आप है ना मील प्रिप कर सकते हो, कि आपको सुबह सुबह किसी के हस्बैंड ऐसे है कि सुबह सुबह उनको ऑफिस जाना होता है और टाइम नहीं बच पाता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप अगले शाम को है ना सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है, सुबह सिर्फ आपको तड़का लगाना ही रहेगा, तो फिर है ना आपका टाइम भी बच जाएगा और टाइम से आपका टिफिन भी रेडी हो जाएगा। भिंडी की सब्जी तो होती रहेगी, बीच बीच में सिर्फ उसको हिलाना ही रहेगा अभी, तो उतनी देर में मैं है ना पुलाव की प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो पुलाव के लिए है ना मैं यहाँ पर धनिया, टमाटर, आलू और हरी मिर्च ये सब काट लूँगी, और इसमें मैं है ना ऑनियन बिल्कुल भी डालने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी है ना समर चल रहा है और टिफ़िन में हम समर में है ना ऑनियन बिल्कुल भी नहीं देते, वो होती है ना कि क्योंकि दोपहर को टिफ़िन खाना होता है और मैं सुबह सुबह ही बना देती हूँ, तो दोपहर तक है ना जो वो है ना बिगड़ जाएगी ऑनियन की वजह से, उस वजह से मैं है ना ऑनियन नहीं डालूँगी, लेकिन टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालूंगी। और आपके साथ तो दूसरी कुछ भी वेजिटेबल हो तो वो भी आप डाल सकते हो, जैसे कि लौकी है और फ्लावर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सब भी आप डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा सब्जी होगी तो उतना ज़्यादा पुलाव का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं तो मैंने नहीं डाली है। और मैं पुलाव में है ना कच्ची आम भी डालने वाली हूँ, जिससे थोड़ा सा खट्टा वाला टेस्ट आएगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और उतनी देर में है ना रैनल भी जगकर मेरे पास आ गया था, तो सुबह सुबह आप सबको पता ही है वो जैसे जगता है ना तो वो मेरे पास आ जाता है, और मुझे ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ता है खाना सब कुछ, क्योंकि उसको गोदी में लेना ही पड़ता है। तो वो भी आ गया था तो उसको गोदी में लेकर मैं फिर से पुलाव में तड़का लगाने लगी थी, क्योंकि टिफ़िन तो हमें टाइम टू टाइम रेडी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर रेनिल के साथ खेलते हुए मैं पुलाव की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन बाद में है ना बेहला फुसला कर उसको मैंने उसकी जगह है ना जो विंडो तो वहाँ पर बैठा दिया था, और अभी मैं है ना पुलाव में तड़का लगाने लगी थी।
तो भिंडा तो हमारे जो भिंडी की सब्जी है वो तो रेडी हो गई है और सिर्फ पुलाव भी बनना बाकी है। वैसे आटा भी मैंने सुबह सुबह गूंद दिया था, तो यहाँ पर मैं फटोफट से पुलाव में तड़का लगा दूंगी और चपाती वो है ना कुकर वो बीच वाले बर्नर पर रख दूंगी और चपाती करने लगूंगी। पुलाव के लिए मैंने है ना सबसे पहले ऑयल लिया, उसके अंदर जीरा करी लीव हरी मिर्च और हींग डाली और उसको अच्छे से भुनने के बाद उसके अंदर सारी जो सब्जियां हमने कट की थी ना टमाटर आलू और कच्चे आम तो वो सभी अंदर डालकर मैंने अच्छे से उसकी भुनाई की और उसके बाद सभी स्पाइसेस डाले। तो स्पाइसेस में हम जो डेली यूज़ करते हैं ना हल्दी पाउडर धनिया जीरा पाउडर मिर्च पाउडर और मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला। तो उसके बाद मैंने है ना चावल जो सारे थे ना मैंने जो पहले भिगो कर आधे घंटे से पहले भिगो कर रखे थे तो वो भी अच्छे से वॉश करने के बाद डाल दिए और उसको अच्छे से हिलाऊंगी। उसके बाद उसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी जो चावल के हिसाब से होना, सिर्फ चावल इसमें डूबना चाहिए उतना ही हमें पानी चाहिए, तो वो मैं डाल दूंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर से घी डालूंगी और फिर एक विसल आने तक पकाऊंगी। पुलाव तो अभी है ना सगड़ी पे चढ़ गया है और सिर्फ पिसलानी ही बाकी है और मैं अभी है ना चपाती करने लगी थी। तो चपाती जब भी मैं करने लगती हूँ ना तब रैनिल और जिया दोनों ही मेरे पास आ जाते हैं और उनको भी थोड़ा थोड़ा आटा चाहिए तो मैं उनको देती हूँ, क्योंकि वो है ना नहीं देती तो बाद में मुझे परेशान करते हैं और मुझे काम भी नहीं करने देते और सुबह सुबह तो कृष्णा भी नहीं आती है तो फिर बच्चे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन दोनों को वेलन पार्टी दोनों ही देकर मैंने उन दोनों को बिठा दिया और अभी है ना हमारा जो टिफिन है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी है, वो पुलाव रखा हुआ है, ये है ना कॉर्न चीज़ कटलेट थी तो वो भी मैंने उनको दी थी और ये थोड़े से क्रंच के लिए वो ट्राइंगल वाले आते हैं ना तो वो भी मैंने उनको दिए थे और चपाती और साथ ही में मैं छाछ तो देती ही हूँ। और अभी है ना बाद में मैं थोड़ी देर रैनिल के पास आकर बैठी थी, उनके साथ खेल रही थी तो वो भी मेरे साथ है ना हाइड एंड सीक खेल रहा था पीछे से। जिया जिया इधर बैठी है, रैनिल इधर है, रैनिल क्या कर रहा है, रैनिल खा रहा है। मुझे खा जाओ। थोड़ी देर बैठने के बाद वापस से मैं बाहर आ गई और अभी समर है तो प्लांट्स है जो भी तो दोनों टाइम उनको पानी देना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना तो पानी नहीं देंगे ना तो ये मेरे प्लांट भी सूखने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं जिया को लेकर बाहर आ गई थी और जिया उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट में पानी देना तो मेरे साथ साथ भी वो भी है ना प्लांट्स में पानी देती रहती है। तो सुबह शाम जिया मेरे साथ आकर प्लांट में पानी देती है और मेरे प्लांट्स सभी जो कि हरे भरे हैं और काफ़ी सारे रोजेस भी लगे हुए हैं क्योंकि मेरे घर पे सबसे ज़्यादा आपको रोज़ देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे कलर के देखने को मिलेंगे क्योंकि गिरीश को है ना रोजेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो जब भी नर्सरी जाते हैं ना तब एक दो प्लांट तो रोज़ के आते ही आते हैं। और मुझे है ना एरिका प्लांट काफ़ी पसंद है क्योंकि वो लो मेंटेनेंस प्लांट है और उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मेरी चॉइस के भी एरिका प्लांट्स भी है और गिरीस के चॉइस की रोजेज़ भी है। रोजेज़ मुझे पसंद है लेकिन उसे ना कभी कभार वो होता है ना कि रोजेज नहीं लगते तो फिर मुझे वो प्लांट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और बाहर जो गमले थे ना तो उसके अंदर स्पाइडर प्लांट था और दूसरा एक प्लांट था उसका नाम मुझे नहीं पता, वो इंडोर प्लांट भी है। तो मेरे घर पे है ना जो चाय के कप आते हैं ना तो वो है ना टूट गए थे तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं प्लांट्स लगा दूँ तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो उसके अंदर है ना मिट्टी भर के मैं अभी प्लांट ही लगा रही हूँ। ये वाला स्पाइडर प्लांट है जो मैंने जो बड़े वाले गमले में थे ना तो वहाँ से भी चुन कर इसमें लगाया है तो वो का अच्छे से ग्रो हो जाएगा। मैं ऐसे करके है ना काफ़ी सारे प्लांट्स करती हूँ
और ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, उसका मुझे नाम नहीं पता है कि ये कौन सा प्लांट है, लेकिन ये भी इंडोर प्लांट है और ये दोनों ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो मैं घर, मुझे है ना प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे जब भी लगता है कि ये तो मैं घर में अभी थोड़ा 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 करके है ना प्लांट्स लगाती रहती हूँ। वैसे अभी है ना मेरे घर के अंदर 2 मनी प्लांट लगाए हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और 2 मैं नए वाले घर के अंदर लगा रही हूँ। तो देखते हैं अंदर ये कैसे ग्रो होते हैं कैसे नहीं, क्योंकि बाहर तो बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं लेकिन अंदर देखते हैं। और है ना मुझे सबसे ज़्यादा है ना प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बच्चों और प्लांट के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ तो मेरा जो दिमाग है ना वो एकदम फ्रेश रहता है और कैसे भी टेंशन हो वो मेरी दूर हो जाती है। तो मुझे जब भी लगता है क्या नहीं मुझे एकदम कंटाला आता है तो मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ और कुछ ना कुछ प्लांट में करती रहती हूँ। अभी मुझे है ना स्टैंड भी लगाने हैं क्योंकि ये है ना बहुत ज़्यादा फैले हुए प्लांट्स है, तो स्टैंड लगाकर उसको अच्छे से अरेंज करना है। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे करके होगा, एकदम से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा है ना किचन गार्डनिंग करने का भी मन था, गिरीश और दोनों का ही मन था, क्योंकि गिरीश को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है प्लांट। लेकिन 2 साल इस घर पे आगे आके हो गए हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, उसके बाद मेरी पैर की दिक्कत आ गई थी, तो मैं बाद में ऊपर भी नहीं जा सकती हूँ कुछ भी नहीं। वरना हमें है ना ऊपर टेरिस पे किचन गार्डनिंग करने का मन था और हम करने भी वाले थे, लेकिन ये सब रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाए। अभी मेरे दोनों प्लांट लग गए हैं और मैं आपको रोजेस दिखाती हूँ, कितने अच्छे वाले रोज लगे हैं। तो आगे भी जो मेरे के विंडो के आगे जो थोड़ी सी स्पेस है ना, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे रोज लगाए हुए हैं, तो उस पर और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वाले रोजेज आते रहते हैं। और यहाँ पर गमले में भी ये देखो कितने अच्छे वाले रोज लगे हैं, और दिन भर में है ना 4-5 रोज तो लगते ही लगते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसकी जो स्मेल आती है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे इंग्लिश रोज़ है ना वो लुक वाइज पसंद है, लेकिन आपको उसमें कुछ स्मेल जैसा नहीं मिलेगा, तो इस देसी रोजेज में है ना आपको अच्छी वाली स्मेल आएगी। और ये है ना वाइट वाला रोज़ का प्लांट था, लेकिन यहाँ पर है ना रोज़ नहीं आए थे, और आप देख सकते हो उसमें है ना मैंने कुछ भी इसमें बीज सीड नहीं डाले थे, फिर भी टोमेटो प्लांट ही यहाँ पर ग्रो हो गया है। तो इसको मैं कोई दूसरे वाले गमले में शिफ्ट कर लूँगी। और ये है ना छोटा सा मेरे घर पे गमला पड़ा था, तो उसको मैंने मुझे लगा कि थोड़ा मैं डेकोरेट करती हूँ, तो जो पहला स्नेक स्नेक प्लांट आता है ना तो वो लगाए, और उसके आजू बाजू जो थोड़े से दूसरे प्लांट लगाए कर उसको काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लुक देने की कोशिश की है मैंने। और फिर से मैं घर के अंदर आ गई, और अभी तो है ना दोपहर का टाइम है तो हम सब सो के जगे हैं। तो अभी जिया मेरे पास आकर बैठी थी तो उसको नाश्ता भी करना था, तो मैंने थोड़े से बिस्कुट दिए हैं आज, और उसके साथ वो है ना इन ऑन बिटवीन बिहाइंड ये सब मैं उसको सिखा रही हूँ। तो ऐसे है ना मस्ती मजाक के साथ साथ सब कुछ हमारा चलता रहता है। आप देखो कितनी मस्ती कर रही है वो। उसको क्या बोला जाता है? बिहाइंड बिहाइंड बिहाइंड। चलो इसे क्या बोला जाता है? डॉग। क्या डॉग? क्या डॉग? चलो फिर से इसको रखा मैंने ऊपर। इसको क्या बोला जाता है? बोल। सुनना है गीत? सुनना है? टॉयज नहीं, पहले मच्छर मेरे पास आकर कुछ बोला था, तुझे सुनना है क्या बोला था? यस। ओके, एक गीत गाया था मेरे कान में आकर, क्या बोला था मालूम है? मच्छर हूँ मैं सबके घरों में शामिल भी हूँ, ऑल आउट से मैं कभी डरता नहीं, मॉडल से मैं कभी मरता नहीं।
मच्छर हो मच्छर, मच्छर हो मच्छर, मच्छर हो मच्छर, मच्छर मच्छर दादी, मच्छर दादी, नहीं क्या बोल दिए तू? जिया के साथ मस्ती करने के बाद अभी है ना रात का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है और सब्जी वो मैं है ना आलू काट रही थी, तो रैनी वो कुकर की जो सीटी बजती है ना तो वो उससे है ना डरता है। पहले वो जो हम मिक्सर आता है ना तो वो मैं स्टार्ट करती थी तो डर जाता था, तो दो तीन बार मैंने क्या किया उसके बगल में ही खड़ा कर दिया ले जाकर, तो उसका धीरे धीरे करके उसका डर दूर हुआ। और अभी है ना कुकर की सीटी जैसे मैंने प्लेटफॉर्म पे बिठाया था तो कुकर की सीटी बजती थी ना तो वो डायरेक्ट वो मेरे पास आ गया और ऐसे मेरे गोदी में आकर बैठ गया। तो जैसे जैसे सीटी बजती रही तो वैसे वैसे वो डरता रहता था। अब देखो देखो कैसे कुकर के सामने वो देख रहा है। तो ऐसे करके मैंने डिनर भी प्रिपेयर किया क्योंकि वो डर गया था और गिरीश थे नहीं, तो फिर मुझे तो ऐसे ही तो उसको रखना पड़ता ना, बाद में वो डर जाता है ना तो रात को आधी रात को जग जाता है और फिर रोने लगता है। तो मैं उसको समझा रही थी और साथ ही में मेरा काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो मैं आलू कट कर रही थी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।